यश चोपड़ा हो इमोशनल मन्ना रखवा रही है अपने घर की याद। पर सलमान खान के कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 17 के लाइव फीड में हमें देखने को मिला कि मन्नारा जो है वो घर में अपने आप को काफी ज्यादा अकेला फील कर रही होती है। पहले तो उन्होंने दिमाग के कमरे को छोड़कर अब दम के कमरे में सोना शुरू कर दिया था, जिसके बाद आज मॉर्निंग में वो मॉर्निंग एंथम के बाद भी अकेले गार्डन में सोती हुई नजर आई। और जब कैमरा ने उनके ऊपर जूम किया तो मन्नारा जो है वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोती हुई भी नजर आई थी। जी हाँ, मन्नारा नॉमिनेशन टास्क के बाद से ही काफी ज्यादा गुस्से में है और काफी ज्यादा परेशान होती हुई नजर आ रही है। रिंकू जगना और मुनव्वर से मन्नारा नाराज है क्योंकि उन्होंने उन्हें नॉमिनेशन टास्क में नॉमिनेट किया, जिसकी उन्हें बिल्कुल भी तीनों से उम्मीद नहीं थी क्योंकि मन्नारा तीनों को ही अपना मान रही थी। ऐसे में मन्नारा का गुस्सा जो है वो तीनों कंटेस्टेंट्स पर फूटता हुआ नजर आया था, जिसकी वजह से अब मन्नारा जो है पूरे तरीके से टूट चुकी है और घर में काफी ज्यादा इमोशनल होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं मन्नारा इस वक्त अपने घर को भी मिस कर रही है और सभी कंटेस्टेंट से दूर अकेले ही बैठकर अपना टाइम स्पेंड करती हुई वो घर में नजर आ रही है। मुनव्वर हालांकि उन्हें पूरे तरीके से कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुनव्वर ट्राई भी कर रहे हैं कि मन्नारा उनसे बात कर ले, ड्यूटीज में भी मुनव्वर जो है वो मन्नारा की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मन्नारा मुनव्वर से बात ही नहीं करना चाहती। कल ड्यूटीज को लेकर भी मन्नारा की वापस से रिंकू और जिग्ना से बहस हो गई थी, जिसके बाद मन्नारा और भी ज्यादा उदास हो चुकी है। मन्नारा को कहीं ना कहीं यही फील हो रहा है कि वो इस घर में अकेली है और उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। ये सारी चीजें उनकी कन्वर्सेशन में भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मन्नारा लेकिन अब अपने आप को धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश भी करती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ तो वो सभी के सामने कह चुकी है कि अब घर में जिसका उनको इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखेगा वो उसे खुलेआम नॉमिनेट करेंगी, वहीं साथ साथ अब वो सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देती हुई भी नजर आ रही है। अपनी बातों को रखने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रही है। वेल, आपका मन्नारा चोपड़ा के इमोशनल होने पर क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।